खाइए नहीं तेरा इसलिए टेढ़ा मेढ़ा करके दे बना रखा करेंगे इधर भी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये व्लॉग नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो हम आप लोगों को देना चाह रहे थे। सो आज हम लोग का सेल्फ मेकअप था और मेरे जितने भी स्टूडेंट थे वो लोग सेल्फ मेकअप किए। और आजकल का वीडियो थोड़ा लेट लेट से हो रहा है क्योंकि कम स्टूडेंट हैं और काम इधर उधर पर अब भी आ रहा है पचौड़ा, तो ये तो वो तो हो रहा है, तो छुट्टी था लोग का, तो हम वीडियोस थोड़ा सा एडिटिंग नहीं कर पा रहे थे और अभी भी हम नहीं किए हैं। तो हम ये वाला जो वीडियो था ये हमको डालना था, ज़रूरी था। सो अभी शादी आ रहा है तो किसी को भी बुकिंग करना होगा तो आप लोग प्लीज़ कॉन्टेक्ट करना, हम नीचे नंबर दे देंगे मेरा, आप लोग डिस्क्रिप्शन भी चेक करते रहना, उसमें भी हम नंबर देते हैं। तो जिन किसी को भी मेकअप कराना होगा अपने शादी के दिन या मेहंदी कराना होगा तो आप लोग बुकिंग कर सकते हो, बहुत सारा डेट खाली है और बहुत सारा बुक हो चुका है। सो वो डेट आप लोग एक बार कॉल करके पता कर लेना। और अभी हम लोग आज सेल्फ मेकअप किए इसलिए हम मेकअप में हैं, तो हम सोचे चलो वीडियो बना लेते हैं। और एक चीज़ हमको बोलना था कि हम ऑनलाइन मेहंदी क्लास लेने जा रहे हैं और मेकअप भी ऑनलाइन हम क्लास लेने जा रहे हैं। मेकअप का बहुत लोग सोचोगे कि मेकअप क्लास ऑनलाइन में कैसे सीखेंगे, तो उसका भी एक मेथड है, आप लोग कॉल करके पता कर लेना। प्रैक्टिकल भी हम कराएंगे तो प्रैक्टिकल हम वो सामने कराएंगे, तो ये सब डिटेल जो है आप लोग कॉल करके पूछ लेना मेरे से। रही बात मेहंदी का, तो मेहंदी के लिए भी आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो, उसके लिए भी आप लोग कॉल करना। हम ऐसे ही डेली 2 2 घंटा हम मॉर्निंग इवनिंग ऐसे करके, जिसको मॉर्निंग में ज्वाइन करना होगा मॉर्निंग में कर लीजिएगा, जिसको इवनिंग में करना होगा वो इवनिंग में करके मेहंदी क्लास कर सकते हैं। और मेकअप का भी सेम प्रोसेस है, बस डिटेल आप लोग को फ़ोन पे लेना होगा फ़ी वगैरह के बारे। और जिस किसी को ऑफलाइन भी करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो, आ सकते हो मेरे पास, वेलकम है सबों को। और छोटा सा क्लिप जो हम अभी घर पे हम मेहंदी लगाए हैं एक मेरी मौसी का, सो हम छोटा सा डाल देंगे, आप लोग देख लेना वीडियो कि हम अभी कैसे मेरा फिनिशिंग है। तो ऐसा होता है कि इसी को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, बहुत लोग बोलोगे कि थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब भी मेहंदी लगाते हैं तो हम लोग का हाथ जो है वो वैक्स होना चाहिए, तभी वो बैठेगा नीचे, तभी कलर आएगा। अगर हेयर रहने से क्या होता है कि वो ऊपर ही वो बाल रोकता है उसको नीचे जाने से, तो नीचे नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे दिखता है। तो मेरी मौसी का थोड़ा सा हल्का हल्का हेयर था जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बट फिर भी आप लोग देख लेना कि कैसा बनना है, आप लोग कमेंट करना। जिस किसी को भी ज्वाइन करना है प्लीज़ आ सकते हो। आज भी 3 बच्चियाँ आई थी, कहाँ से आई थी, तो जलटंडा जलटंडा से, हाँ जलटंडा से आई थी इंक्वायरी के लिए। तो वो लोग जनवरी और फरवरी का बैच के लिए वो लोग पता करने के लिए आई थी, तो जनवरी फरवरी में भी क्लासेस होगा, तो आप लोग उस बैच के लिए भी आप लोग पता कर सकते हो। और फिलहाल बस यही हमको इन्फॉर्मेशन देना था। सो आने वाला वीडियोस आप लोग आगे देखोगे, जो भी आएगा ब्लॉग जो आएगा, ये तो बस इन्फॉर्मेशन देना था इसलिए हम ये बनाए। और अभी हम छोटा सा क्लिप हम यहाँ डाल देंगे। दिखाइए नहीं तेरा इसलिए टेढ़ा मेढ़ा करके दे बना रखा करेंगे इधर भी बस। सो आई होप आप सबको ये वीडियोस में बहुत सारा चीज़ जो आप लोग जानना चाह रहे थे वो चीज़ मिला, कि कब ज्वाइन करेंगे कब नहीं करेंगे। तो जो भी डिटेल है आप लोग कॉल करके फ़ोन करना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।